जूते मत पहनो, स्कर्ट मत पहनो, मेकअप मत करो, ब्रांडेड कपड़े मत पहनो, अगर ये सब करने पर आपकी ज़िंदगी में पाबंदी लगा दी जाए तो आप अनकंफर्टेबल हो जाएंगे ना। लेकिन चौंकिए मत, ऐसा दुनिया के कई देशों में होता है और भारत में भी। आइए देखते हैं कौन से ऐसे देश हैं जिनमें फैशन करना बैन है। सबसे पहले नाम आता है नॉर्थ कोरिया का, जहां लोगों के स्टाइलिंग पर हद से ज्यादा बैन लगा हुआ है। यहां पर छोटी मिनी स्कर्ट पहनना मना है। मिनी स्कर्ट इसलिए बैन की गई है ताकि वहां वेस्टर्न कल्चर को बढ़ावा ना मिले और लड़कियां ज्यादा आकर्षित ना लगे। दूसरा, वहां लोगों वाली टी शर्ट पहनना बैन है, जैसे कि नाइकी, प्यूमा और कई ऐसे ब्रांडेड कपड़े पहनना वहाँ बैन है। वजह एक ही है, वेस्टर्न कल्चर को बढ़ावा देने से रोकना, इसलिए वहाँ वेस्टर्न ब्रांड भी बैन है। अगला है ऊंची हील्स, जो वेस्ट का एक फैशन कल्चर है, उसे भी बैन किया गया है ताकि लोग फैशन का ज़्यादा दिखावा ना करें, जो वेस्टर्न का एक हिस्सा है। अगला है चमकदार फ्लॉलेस कपड़े, वो इसीलिए बैन है ताकि लोगों को फैशन करने से रोका जा सके, ताकि कोई भी व्यक्ति शासन के लिए बनाए गए क्राइटेरिया से बाहर ना निकल सके, क्योंकि ये भी एक वेस्टर्न कल्चर का ही हिस्सा है। अगला है डेनिम जीन्स, वजह एक ही है, वेस्टर्न कल्चर का हिस्सा। अगला देश है फ्रांस, जहां सार्वजनिक जगहों पर बुर्का या फिर मुंह ढक कर हिजाब पहनना मना है। हालांकि यह कानून चेहरे को ढकने से संबंधित है, लेकिन यह मुस्लिम महिलाओं को असंगत रूप से प्रभावित करता है जो नकाब या बुर्का पहनती हैं। इस कानून के कारण दुनिया भर में पहच छुड़ गई थी। यहाँ कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई कपड़ा नहीं पहन सकता जिसमें उसका चेहरा छिपा हो, जैसे कि मास्क, रुमाल, फुल टोपी या इत्यादि। ऐसा करना वहाँ के नियमों के खिलाफ होगा। आगे आता है बार्सिलोना और मेलोर्का, जो कि स्पेन का एक ही एक हिस्सा है, ये एक आइलैंड है। यहाँ पर स्विमर पहनना समुद्री तटों के आसपास के इलाकों तक ही सीमित है। शहर के अन्य हिस्सों में बिकनी या फिर स्विम सूट पहनने की कोशिश करने वाले पर्यटकों पर भारी जुर्माना लग सकता है। मोलार्का में जुर्माना 500 पाउंड तक का हो सकता है। ये नियम उन सार्वजनिक स्थानों पर शिष्टाचार बनाए रखने के लिए बनाए गए हैं जो समुद्र तट पर नहीं है। वहीं खुद स्पेन में जहां सैंडल पहनकर या फ्लिप फ्लॉप यानी कि चप्पल पहनकर गाड़ी नहीं चला सकते हैं, बल्कि आप बिना जूते पहने भी ड्राइविंग नहीं कर सकते हैं। स्पेन में ये एक अपराध माना जाता है और अगर यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको जुर्माना भरना होगा। वहीं बारबाडोस में आर्मी की वर्दी पहनकर बाहर निकलना मना है। ये आतंकवादी को पहचानने में मदद करेगा। ये कानून के खिलाफ होगा ताकि आतंकवादी आर्मी की वर्दी पहनकर इसका फायदा ना उठा सकें, इसीलिए ये नियम बनाया गया है। ये एक सेफ्टी पर्पस के लिए नियम रखा गया है। अगला देश ग्रीस है, जहां हाई हील्स पहनना मना है। जैसे एक्रोपोलिस या डेल्फी में महिलाओं को ऊंची हील्स पहनने की अनुमति नहीं है, इससे प्राचीन स्मारकों को नुकसान पहुंच सकता है, इसीलिए इसे मना किया गया है। वहीं सूडान में शरिया कानून के मुताबिक महिलाओं को ट्राउजर या पैंट पहनने की अनुमति नहीं है, साथ ही पुरुष मॉडल यहाँ पर मेकअप भी नहीं कर सकते हैं। यही नहीं, यहाँ अश्लील कपड़े पहनना भी सख्त मना है। अगला है इंडिया। अब इन सब देशों की बात हो गई है तो अब हम अपने देश भारत की भी बात कर लेते हैं। यहाँ भारतीय सेना ने आम जनता को सैन्य वर्दी या सेना के पैटर्न वाले कपड़े पहनने से सख्त मना किया है। ये नियम आतंकवादियों को सैन्य कर्मियों का वेश धारण करने से रोकने के लिए शुरू किया गया है। भारतीय सेना ने इस बात पर जोर दिया है कि इस तरह की पोशाक पहनना न केवल अवैध है, बल्कि सुरक्षा के लिए भी खतरनाक है। आतंकवादी इस वर्दी का फायदा ना उठाएं, इसलिए भारत देश में इसे बैन किया गया है। बाकी खबरों के लिए और जानकारी के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए लोकमत हिंदी।